इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। इस बीजापुर की इस खूबसूरत सरजमीन पर ये इंसानों का अजीम शान ठाठे मारता समंदर इस बात का ऐलान कर रहा है कि भारत जिंदा है। मेरा देश जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज आप लोग कुर्बानी देने के लिए इस सरजमीन पर जमा हुए हैं तो आपकी कुर्बानी जायगा नहीं जाएगी। जरूरत है जोहद मुसलसल की। बिस्मिल्लाह कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। मैं इसमें एक लफ्ज की तब्दीली करके इसको इस तरह कह रहा हूँ, सरफरोशी की तमन्ना फिर हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, रह रवे राहे मोहब्बत रुक न जाना राह में, रह रवे राहे मोहब्बत रुक न जाना राह में, लज्जते सहरा नवर्दी दूर ये मंजिल न है। अभी यशवंत सिन्हा साहब कह रहे थे कि लड़ाई लंबी चले तो लड़ना, इसी बात को वो कह रहे थे कि कितनी भी लड़ाई लंबी हो जाए थकना नहीं है, मजा तो उसमें ही है जो लंबी चलेगी। आज मैंने सुना सौ सौ किलोमीटर से लोग, हजार हजार लोग पैदल चल चल के कई कई दिन का सफर करके आए। तो ये जो लोग, अच्छा, और इसमें सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि सारी कौमों के लोग हैं। ये खूबसूरती इसी मुल्क में मिलेगी। हम रहे हैं साथ, लोगों ने बांटने की कोशिश कर रही है सरकार, ये लेकिन ये कभी इसमें कामयाब नहीं होगी, ये नाकाम होंगे। और देश के लोग इकट्ठे होकर अलपुर मंदेंद्र ले अपने हिंदुत्व को एक साथ मिलकर इस मुल्क को इस नाजायज सरकार से, भले से वोटों से बन गई हो लेकिन जिसने दस्तूर के साथ खिलवाड़ किया, जिसने इस देश के बसने वालों को बांटने की कोशिश की, वो सरकार जायज कैसे हो सकती है? और अगर वो इख्तदार पर काबिज होकर अपनी गैर कानूनी, गैर दस्तूरी, गैर अखलाकी हरकतों को, तरीके को, तर्ज अमल को, अगर वो ये समझते हैं कि कानूनी बना देंगे तो इस मुल्क के बसने वाले लोग उन लोगों की इन कोशिशों को नाकाम करना जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज सिर्फ इस इलाके में नहीं, सारे देश में, सारे मुल्क में, जगह जगह लोग सड़कों पर हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं इस कानून की। अब से चार दिन पहले तकरीबन 40 ऑर्गेनाइजेशंस के लोग दिल्ली में जमा हुए, घंटों की बहस के बाद यह फैसला हुआ कि यह अपील करी जाए इस मुल्क के बसने वाले लोगों के साथ, उनके सामने यह अपील करी जाए कि एनपीआर को हम रिजेक्ट करते हैं और इसका बायकॉट करते हैं। कोई आदमी, कोई कागज,
लेकिन उससे पहले भी कहा गई ये बात, न भरेगा न भरवाएगा न दस्तखत करेगा न कोऑपरेट करेगा। किसी ने कहा आप अलग हो जाएंगे तो ये तो नॉन कोऑपरेशन होगा। हमने कहा नॉन कोऑपरेशन ही करना चाहते हैं हम आपके साथ, कुछ कोऑपरेट नहीं करना चाहते और जरूरत भर पड़ेगी तो जेलों को आबाद करेंगे। वाह वाह।